नमस्कार मित्रों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूँ आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बैंक का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, और आज हम कहाँ पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बैंक के पार्ट एट पे। कौन से? पार्ट एट पे। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक पिछली क्लास से रिलेटेड है। जिन बच्चों ने पीछे का पार्ट सेवन नहीं देखा है, पहले वो पार्ट सेवन देख के आए, अदरवाइज इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए टाइम खराब ना करते हुए जल्दी से टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको पता होगा हमारा कौन सा उपाय चल रहा है, मात्रात्मक उपाय। और मात्रात्मक उपाय के अंदर हमने रेपो दर कर लिया था वीडियो नंबर सेवन, बैंक दर कर लिया था वीडियो नंबर सेवन, विपरीत रेपो दर हमारा हो गया था। अब किसकी बारी है? नगद आरक्षित अनुपात। किसकी? नगद आरक्षित अनुपात, इसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? CRR। एक बार जल्दी से हम CRR को समझ लेते हैं कि क्या होता है। वैसे हमने अपने क्रेडिट क्रिएशन वाली वीडियो में भी समझा था, फिर भी एक बार समझ लेते हैं इसको कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे बीच में आपको पता है व्यापारिक बैंक था, यहाँ पे आपके पास जनता थी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कौन था? RBI था। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि जनता व्यापारिक बैंक के पास 1000 रुपए जमा करा के आई थी, और उसका 1000 रुपए का कितना? 1000 रुपए का, ध्यान हो आपको, तो बताओ कितना परसेंट था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो तो कह रहा है सर 20% था, ठीक है, 20% कितना? 200 रुपए। तो 200 रुपए क्या हुआ था कि हमने RBI के पास जमा करा दिया था ना। तो उसी को बोलते हैं हम क्या? CRR। ध्यान से समझना कि उसका कुछ परसेंट, किसका कुछ परसेंट? जो हमारे पास कैश आता है, हमारे पास नहीं, व्यापारिक बैंक के पास जो कैश आता है, वो उस कैश का कुछ परसेंट कहाँ जमा करा के आता है? RBI के पास जमा करा के आता है, ठीक है। तो जो कुछ परसेंटेज RBI के पास जमा करा के आता है, वो कितना परसेंटेज है? अभी हमने मान रखा है कि 20% है, ठीक है। वो उसका कुछ परसेंटेज कहाँ जमा करा के आता है? RBI के पास जमा करा के आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? CRR कहते हैं, ठीक है। और आप इस वाली कंडीशन को और इस वाली कंडीशन को तो पहचानते ही होंगे। हमने पीछे बताया था कि ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये हमारी स्फीति की स्थिति है और ये हमारी अविस्फीति की स्थिति है। ये हम ऑलरेडी पीछे वाले टॉपिक में कंप्लीट करा चुके हैं। और इस स्थिति में क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति में कमी करनी होती है, मतलब साख में कमी करनी होती है। इसमें क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना होता है, मतलब साख को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। अब एक बात इस वाले कॉन्सेप्ट को यहां समझते हैं। देखो नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, इससे अभिप्राय व्यापारिक बैंकों को क्या करना पड़ता है? केंद्रीय बैंक के पास रखे, व्यापारिक बैंकों के केंद्रीय बैंक के पास रखे आवश्यक नगद कोषों से है। मतलब वो कोष जो व्यापारिक बैंक ने कहा रखा था? RBI के पास रखा था, जो उनकी कुल जमाओं के प्रतिशत के रूप में होता है। इसका मतलब उसके पास कुल जो भी पैसा आया उसका कुछ परसेंटेज, और वो परसेंटेज RBI डिसाइड करेगा, क्लियर, ठीक है। उसकी कुल जमाओं के प्रतिशत के रूप में होता है। यदि केंद्रीय बैंक को नगद या साख प्रवाह का संकुचन करना हो, इसका मतलब अगर केंद्रीय बैंक चाहता है, केंद्रीय बैंक क्या चाहता है? केंद्रीय बैंक चाहता है कि मार्केट के अंदर क्रेडिट क्या हो जाए? कम हो जाए। मुद्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इसका मतलब मार्केट में यह स्थिति होगी, ये होगी ना, तो वो इसका क्या करेगा, इस पॉइंट को कैसे यूज करेगा? देखो क्या कह रहा है ये, यदि केंद्रीय बैंक को नगद या साख प्रवाह का संकुचन करना होता है तो वह CRR को बढ़ा देगा। CRR को क्यों बढ़ा देगा और कैसे बढ़ा देगा, उसे समझते हैं। देखो जरा, उसने 1000 रुपए जमा कराए, इसने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए, व्यापारिक बैंक 1000 का 20% यहां जमा करा के आया, तो इसका मतलब इसके पास उधार देने के लिए कितना पैसा बचा? जल्दी सोच के बताओ कि उधार देने के लिए कितना पैसा बचा? देखो क्या कह रहा है, कितना? 800 रुपए, ठीक है। तो कितना बचा? 800 रुपए। जब कितना परसेंटेज था? 20% था। अब RBI चाहता है कि भाई व्यापारिक बैंक कम उधार दे, 800 रुपए उसके पास ना बचे, तो वो क्या करेगा? तो कह रहा है, देखो वो कह रहा है इसको बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 25%। अगर 25% की बात करें तो अब क्या करना होगा, व्यापार
व्यापारिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास 25% जमा कराना होगा। इसका मतलब कितना जमा कराना होगा, तो इसका मतलब 250 रुपए जमा कराने होंगे, तो बचा कितना 750। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब केवल व्यापारिक बैंक कितना उधार दे सकता है, 750। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। देखो आगे क्या कह रहा है ये, यदि केंद्रीय बैंक को नकद या साफ प्रवाह का संकुचन करना है, संकुचन करने का मतलब कैश को, नकद को या अर्थव्यवस्था में मुद्रा को कम करना है, ठीक है, संकुचन करना है, तो वह CRR को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। क्यों बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, वो चीजें समझ में आ गई होगी, बढ़ा देगा। और इसके विपरीत यदि उसको साख या नगद प्रवाह का विस्तार करना है, इसका मतलब वो ये चाहता है कि ये जो साख है ये 800 की जगह पे 900 हो जाए, वो इसको बढ़ाना चाहता है। अगर वो इसको बढ़ाना चाहता है तो इसका मतलब मार्केट में कंडीशन कौन सी होगी, तो सर अब स्फीति की होगी, क्योंकि यहाँ पे मांग क्या है, कम है, और यहाँ पे क्या करना होता है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना होता है। अगर आरबीआई बढ़ाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, तो वो CRR के परसेंटेज को क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब उसने क्या कर दिया, 20 की जगह पे 10% कर दिया, और बोल दिया व्यापारिक बैंकों की अब आपको मेरे पास केवल 10% जमा कराना है। अब अगर वो 1000 का 10% जमा कराता है, 1000 का 10% जमा कराता है, तो उसके पास क्रेडिट देने के लिए कितना बचा, 900 रुपए बचा ना, तो क्रेडिट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि उसको साख या नगद प्रवाह का विस्तार करना है तो वह CRR को क्या करेगा, घटा देगा। घटा दिया ना, स्टार्टिंग में 20 था, एक बार बढ़ाया 25%, बढ़ाया कब और घटाया कब, समझ में आया, चलो ठीक है। फटाक से नेक्स्ट पे देखते हैं क्या, वैधानिक तरलता अनुपात। पहले एक बार क्या ये टॉपिक हमें समझ में आ गया अच्छे से, हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया, चलो फिर देखते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। अब ये क्या होता है, ठीक है, इसको समझने से पहले एक बार ये सोचते हैं, इसको बता दो, चलो एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। प्रत्येक बैंक को क्या करना होता है, परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को, इसका मतलब जितना भी उसके पास पैसा आ रहा है उसके कुछ परसेंटेज को क्या करना होता है, व्यापारिक बैंकों को अपने पास तरल रूप में रखना होता है, मतलब वो लिक्विडिटी के तौर पे रखता है, ठीक है, अपने पास रखता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि वो उस पैसे से लोन नहीं दे सकता। SLR वाला अमाउंट का जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज RBI डिसाइड करता है, और SLR का पैसा उसको अपने पास रखना होता है, किसको, किसको रखना होता है, व्यापारिक बैंक को। लेकिन वो उस पैसे से उधार नहीं दे सकता, वो उस पैसे से केवल अपनी दिनचर्या को चलाता है, कोई लेने आ गया तो उसको दिया, उधार नहीं, उसको उसका पैसा दिया, ठीक है। देखो प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को नकद रूप में या अन्य तरल रूप में अपने पास रखना पड़ होता है, वो अपने पास रखता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, देखो जरा SLR के अंदर हम किन किन चीजों को मानते हैं, सबसे पहले तो इसमें सोना भी हो सकता है, वो सोना अपने पास रख सकता है, वो कैश अपने पास रख सकता है, वो अनुमोदित प्रतिभूतियां, अनुमोदित प्रतिभूतियां, ये तीन चीजें मिलकर क्या होती है, SLR के अंदर शामिल होती है। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि SLR में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि सोने को, कैश को और अनुमोदित प्रतिभूतियों को, इन तीनों चीज को SLR में सबमिट किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। देखो जरा क्या लगता है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, ये वो अनुपात होता है जो क्या करना होता है, व्यापारिक बैंक को अपने पास तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना होता है, लेकिन वो उस तरल परिसंपत्ति से कैश या सॉरी उधार नहीं दे सकता, किसी को लोन नहीं कर सकता। आगे देखना, साख के प्रभाव को कम करने के लिए, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में साख के प्रभाव को क्या करना है, कम करना है, तो क्या करना होगा, कम करने के लिए RBI क्या करेगा, SLR को बढ़ा देता है। इसका मतलब RBI ने SLR को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया तो अब क्या करना होगा, अब जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे वो अपने पास कैश ज्यादा रखेंगे और लोगों को लोन कम देंगे, क्योंकि अब उसका परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया। पहले उनको केवल अपने पास 10% रखना होता था, लेकिन अब कितना रखना होता है, 20%, तो अब उनको पहले से ज्यादा अपने पास रखना होगा, वो लोगों को उधार नहीं दे सकते, ठीक है। साख के प्रभाव को कम करने के लिए RBI SLR को क्या करता है, बढ़ा देता है, और साख के प्रभाव को बढ़ाने
के लिए अगर वो 7 को बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि अर्थव्यवस्था में वो कब बढ़ाना चाहेगा, जब अविस्फीति होगी। अगर वो चाहता है, कौन, आरबीआई चाहता है क्या कि अर्थव्यवस्था में 7 का परसेंटेज बढ़ जाए, तो वो क्या करेगा, एसएलआर के परसेंटेज को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि अब बैंक को अपने पास कैश कम रखना है और लोगों को उधार ज्यादा देने की पावर मिल गई। क्लियर हो गया दोनों, जल्दी जल्दी से बताओ। तो बोला हाँ सर क्लियर हो गया। देखो जरा, सीआरआर खत्म हो गया और एसएलआर खत्म हो गया। अब हमारे पास मात्रात्मक के अंदर एक ही पॉइंट बचता है, जिसे बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया। जिसे क्या बोलते हैं हम, खुले बाजार की क्रिया। अब ये खुले बाजार की क्रिया क्या होता है, देखो जरा ध्यान से समझना। खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय, खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट में, खुले बाजार में आना और अपने शेयर्स को बेचना और शेयर्स को खरीदना, अपनी परिसंपत्तियों को बेचना और अपनी परिसंपत्तियों को खरीदना। अब हमें ये सोचना है, क्या सोचना है कि अगर मार्केट में ये स्थिति हो, अगर मार्केट में ऐसी स्थिति है तो वो शेयर्स को बेचेगा या खरीदेगा। क्लियर? यहाँ पे देखो, अगर ये वाली स्थिति हो तो खरीदेगा या बेचेगा, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका हम पहले एक एग्जांपल बनाते हैं और एग्जांपल बना के देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अब इतना ध्यान से समझना, देखो ये है व्यापारिक बैंक या फिर आप मान लो जनता, दोनों को एक साथ ले रहे हैं। ये है आरबीआई, आरबीआई के पास कैश इतना है, ध्यान से समझना, ये कैश है। आरबीआई के पास जो शेयर्स वगैरह है वो इतने हैं, शेयर्स इतने हैं, ठीक है। और जनता के पास जो है वो कैश इतना है और जो शेयर्स है वो इतने हैं। ये शेयर्स है और ये क्या है, कैश है। किसके पास, देखो ये तो आरबीआई का है और ये किसका है, व्यापारिक बैंक और जनता दोनों का एक साथ लिया है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब बात करते हैं खुले बाजार की क्रिया से। और हमारे पास ये दो कंडीशन है, कौन सी, स्फीति और अविस्फीति की। सपोज करो मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर स्फीति है। स्फीति का मतलब ऑलरेडी मांग क्या है, बहुत ज्यादा है, और मांग को क्या करना है, कम करना है। और मांग को कम करने का मतलब क्या करना होगा, कैश को कम करना होगा, ठीक है। और वो भी किसके कैश को कम करना होगा, इनके कैश को कम करना होगा। अब इनका कैश कब कम होगा, इनका कैश कब कम होगा, जब इनका कैश कम होगा, जब इनका कैश शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इनके कैश को शेयर्स में कन्वर्ट कर दे तो कैश कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जब ये वाली स्थिति है तो आरबीआई क्या करेगा, अपने शेयर्स को धीरे धीरे करके कम करना शुरू करेगा। और वो कम कैसे करना शुरू करेगा, वो कम ऐसे करना शुरू करेगा कि वो अपने शेयर्स को, अपनी एसेट्स को, अपनी परिसंपत्तियों को, इन सारी चीजों को सस्ते रेटों में क्या करेगा, बेचेगा। और जब वो इसको सस्ते रेटों में बेचेगा तो सस्ते रेटों में बेचकर क्या होगा, तो क्या होगा, लोगों को सस्ते रेटों में मिलेगा, बैंकों को सस्ते रेटों में भी मिलेगा। तो क्या करेंगे, तो जितने भी व्यापारिक बैंक होंगे वो अपने कैश को इनको दे देंगे, ठीक है। इसका कैश बढ़ जाएगा, शेयर्स कम हो जाएंगे, और इनके कैश क्या होंगे, धीरे 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 करके कम हो जाएंगे, और शेयर्स क्या होंगे, धीरे 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 करके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया, एक बार इसको यहां देखते हैं। देखो खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्या करना, खुले बाजार में क्या करना, बेचना या फिर खरीदना, बेचेगा या फिर खरीदेगा। यदि अर्थव्यवस्था में 7 की मात्रा में कमी करनी है, 7 की मात्रा में कमी करनी है, ठीक है, कमी करनी हो तो आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचने लगता है, ठीक है। उसने क्या किया, अपने जितने भी शेयर्स थे उनको कम दामों पर बेचा। लोग लालच में आए कि सस्ते रेटों में मिल रहा है, तो लोगों ने क्या करा, उनके शेयर्स को खरीदना शुरू किया। तो जितना भी कैश की पावर थी इन दोनों के पास, वो सारी कैश की पावर इनके पास चली गई और शेयर्स इनके पास आ गए। अब इस शेयर से ये मार्केट में सामान तो खरीद नहीं सकते, तो मांग क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, बेचने लगता है। और मौजूदा नगद कोषों को, जो नगद कोष इनके पास था, कोषों को अपनी ओर खींचने लगता है। अपनी ओर मतलब वो कैश का चला गया, इसके पास चला गया, अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे व्यापारिक बैंकों की साख क्षमता में कमी होती है। क्योंकि कैश तो इन्होंने इसको दे दिया, अब ये उधार कहां से देगा, अब इसके पास कैश नहीं है, ठीक है। इसके विपरीत यदि साख की मात्रा में वृद्धि करनी हो, मतलब ये वाली कंडीशन हो,
और वो चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा क्या हो, बढ़े, तो क्या करेगा, प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है। फिर एक समय बाद जब सेकंड स्टेज में जाने की बात करते हैं तो अब क्या होगा, अब वो उनसे शेयर्स को खरीदेगा। किससे? वो व्यापारिक बैंक से और जनता से शेयर्स को खरीदेगा। कब? जब ये स्थिति होगी, जब वो चाहता है कि साख बढ़ जाए तो क्या करेगा, तो वो उनसे प्रतिभूतियों को खरीदेगा, और वो भी कैसे रेटों पर, महंगे रेटों पर खरीदेगा। ठीक है, महंगे रेटों पर खरीदेगा तो क्या होगा, लोग धीरे 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 करके अपनी इन चीजों को बेचेंगे, शेयर्स को बेचेंगे, और आरबीआई के शेयर्स बढ़ जाएंगे, और आरबीआई का कैश क्या होगा, धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, और इनका कैश क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने शेयर्स इसको बेच दिए तो ये कैश अपना इसको दे देगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अब पैसा फिर इसके पास आ गया, तो ये मार्केट में साख को दे सकता है। तो ये तरीका है किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, इसके विपरीत, दोबारा से, इसके विपरीत साख की मात्रा में वृद्धि करने के लिए प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है, जिससे बैंकों के नगद कोषों में क्या होती है, वृद्धि होती है, और साख का विस्तार होता है। बैंकों के नगद कोष क्या होते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ जाते हैं, और बैंकों के साख देने की पावर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? एक बार क्विक रिविजन करते हैं, देखो जल्दी से। नगद कांक्षित अनुपात का मतलब क्या होता है? सर ये वो अनुपात होता है जो कि कानूनी तौर पर व्यापारिक बैंकों को क्या करना होता है, व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आरबीआई चाहता है कि मार्केट में क्रेडिट ज्यादा हो तो वो क्या करेगा, तो सर वो सीआरआर के परसेंटेज को क्या करेगा, बताओ जल्दी से। वो सीआरआर के परसेंटेज को, अगर वो चाहता है कि साख या नगद का प्रवाह का विस्तार हो जाए, साख बढ़ जाए, तो वो क्या करेगा, सीआरआर को कम कर देगा। और वो चाहता है, क्या चाहता है, कि मार्केट में साख कम हो, तो सीआरआर के परसेंटेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्लियर हो गया? अब एसएलआर क्या होता है? सर एसएलआर वो अमाउंट होता है जो कि व्यापारिक बैंकों को अपने पास कैश के तौर पे रखना होता है, लेकिन कैश के फॉर्म में ही क्यों, दो फॉर्म मैंने और भी बताई थी, कौन सी, कैश भी, सोना भी, और अनुमोदित प्रतिभूतियां भी। इसके तौर पे उसको अपने पास रखना होता है, किसको, व्यापारिक बैंकों को, लेकिन वो उससे किसी को उधार नहीं दे सकता। ये हो गया तरलता अनुपात। अब इसमें क्या होता है, अगर आरबीआई चाहता है, क्या चाहता है, कि मार्केट में बैंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दे, अगर ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दे, तो ऐसे के परसेंटेज को क्या करता है, बताओ, कम कर देता है। ठीक है, और अगर वो ये चाहता है, क्या चाहता है, कि वो कम से कम परसेंटेज में, मात्रा में साख मार्केट में दे, तो वो एसएलआर के परसेंटेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। आगे बात करते हैं खुले बाजार की क्रिया। अब खुले बाजार की क्रिया का क्या मतलब होता है? सर खुले बाजार की क्रिया का मतलब होता है आरबीआई द्वारा अपने शेयरों की, अपनी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करना। ठीक है, और जब वो जाता है, कौन जाता है, आरबीआई जाता है, क्या चाहता है, कि मार्केट में साख कम जाए, जब जाता है मार्केट में साख की मात्रा में क्या हो, कमी करना चाहता है, तो वो क्या करता है, अपनी प्रतिभूतियों को बेचने लगता है। इससे क्या होता है, जो बैंकों के पास क्या करते हैं, जो बैंकों के पास कैश होता है, बैंक उससे प्रतिभूतियों, व्यापारिक बैंक उससे प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है, और उसकी जितनी भी कैश की पावर है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको मे भी ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, और अगर आपको नहीं आई है तो फिर उसी तरह से आपको सेम वही काम करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, मैं आपके कमेंट्स पे ध्यान देके एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको वो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो थे हमारे मात्रात्मक उपाय। इसके अलावा मैंने आपको वीडियो नंबर 7 में बताया था कि गुणात्मक उपाय भी होते हैं ना। गुणात्मक उपाय पे चर्चा की थी, गुणात्मक उपाय मैंने कितने बताए थे, तो देखो वो बच्चा क्या बता रहा बेटा, कितने बताए थे, कितने, 3। हाँ, कह रहा है सर 3 बताए थे। तो कौन कौन से थे एक बार बताओ, सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। तो उस 3 में से एक पे आज डिस्कस करते हैं, बाकी 2 पे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वो ऑलमोस्ट हमारी आखिरी वीडियो होगी। ठीक है, तो देखते हैं सीमांत आवश्यकता क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत आवश्यकता क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो जो बैंक वाला होता है वो क्या करता है, हमसे जमानत के तौर पे कुछ मांगता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। ठीक है, ये था एक व्यक्ति जो कहां गया, बैंक गया। कौन से बैंक गया, तो सर व्यापारिक बैंक गया। ठीक है, इसने बोला कि मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। कितने का चाहिए, 2 लाख का ऋण चाहिए।
ठीक है, तो बैंक ने बोला ठीक है मैं 2 लाख रुपए का ऋण आपको दे दूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जमानत देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? जमानत देनी पड़ेगी। अब 2 लाख का ऋण है तो कम से कम आपको 3 लाख की जमानत देनी पड़ेगी। अब देखो कितने की जमानत देनी पड़ेगी, 3 लाख की। 2 लाख का लोन चाहिए इसको, 3 लाख की जमानत देनी पड़ेगी, तो इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, तो 1 लाख का डिफरेंस हो गया। तो ये 1 लाख जो है इसको बोलते हैं हम सीमांत आवश्यकता, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सीमांत आवश्यकता। अब देखो वो बच्चा क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर अब एक बात बताओ, इसको 2 लाख रुपए चाहिए और ये 3 लाख रुपए की जमानत ही देगा, तो फिर ये 2 लाख रुपए चाहिए क्यों, 3 लाख तो इसके पास पहले ही है जमानत के लिए। बात तो ये भी सही है कि 3 लाख अगर उसके पास होंगे तो फिर वो 2 लाख की जमानत क्यों लेगा। तो बेटा एक बात ध्यान से सुनो, ये जो 3 लाख है ना ये कैश की फॉर्म में नहीं है, ये किसी भी तरह से हो सकते हैं, गोल्ड के रूप में हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं। तो वो उनको गिरवी रख रहा है और 2 लाख रुपए ले रहा है, जब वो बैंक के 2 लाख रुपए चुका देगा तब क्या होगा, बैंक उसकी प्रॉपर्टी को उसको वापसी कर देगा। अच्छा सर ऐसा था क्या, हाँ ठीक है। तो ये जो बीच वाला गैप था इस गैप को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन, ठीक है। बैंक हमेशा अपने मार्जिन को ध्यान में रखता है, ठीक। तो 1 लाख रुपए था, एक एग्जांपल है, समझना इसको ध्यान से, ठीक है। तो अब देखो दोबारा से यहाँ पे देखो, सीमांत आवश्यकताओं से अभिप्राय बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत पर, बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत पर दिए गए ऋण तथा जमानत वाली वस्तु के मूल्य, दिए गए ऋण तथा जमानत वाली वस्तु के मूल्य के अंतर से है। देखो जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से है, इसका मतलब जो भी वो जमानत जो गिरवी रख रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ठीक है। अच्छा यदि अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को कम करना है, इसका मतलब आरबीआई चाहता है कि व्यापारिक बैंक इसको कम उधार दे, तो वो इसको जो ये बीच का डिफरेंस है इस डिफरेंस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। देखो जरा, तो केंद्रीय बैंक सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देता है। अब वो से क्या बोलेगा पता है, अब बोलेगा क्या कि अब ना 3 लाख की जमानत नहीं देनी, 4 लाख की जमानत देनी है। तो अब सीमांत आवश्यकता कितनी हो गई, तो 2 लाख हो गई। कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो क्या होगा अब इसके लिए सीमांत आवश्यकता बढ़ गई तो ये शायद लोन ना दे, क्यों, क्योंकि पहले तो इसको कम डिफरेंस पड़ रहा था तो आसानी हो रही थी, अब डिफरेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो देखो जिससे ऋण की मांग में क्या होगी, कमी हो जाएगी, लोग कम ऋण की मांग करेंगे तथा साख का क्या होगा, विस्तार कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये लोन उसे नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसका परसेंटेज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। देखो उसको क्या कह रहा है, कह रहा है सर आप ये कह दो वो नहीं लेगा, अगर उसको ज्यादा जरूरत हुई तो वो तो लेगा ही लेगा, है ना। तो ये बात भी सही है, लेकिन ना जो लेने वाले लोगों की संख्या होगी ना बेटा वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि पहले मान लो इसके जैसे 10 लोग ले रहे थे तो अब लेने वाले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि मार्जिन क्या हो गया, बीच में बढ़ गया, ठीक है। तो इसके विपरीत साख के विस्तार हेतु, अगर साख को बढ़ाना चाहता है, मतलब आरबीआई चाहता है, आरबीआई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक बैंक लोन दे, ठीक है। उस समय कौन सी कंडीशन होगी सोचो, उस समय ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस मार्जिन वैल्यू को कम कर देगा, 50,000 पे ले आएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि 2 लाख चाहिए, तो ठीक है आप एक काम करो, आप 2.5 लाख का कुछ भी सामान गिरवी रखो और अपने 2 लाख रुपए ले जाओ, क्लियर, ठीक है। तो अब क्या हुआ आगे देखो, कहां पे थे हम, इसके विपरीत साख के विस्तार हेतु, मतलब साख को बढ़ाना है तो सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि क्या क्या होता है और किस तरह से व्यापारिक बैंक जो होता है वो क्रेडिट को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें डिसाइड कौन कर रहा है, आरबीआई डिसाइड कर रहा है। तो इसलिए ना इसको आरबीआई को हम मौद्रिक अधिकारी भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मौद्रिक अधिकारी, क्योंकि ये मुद्रा पे ही सारा का सारा काम कर रहा है। ऑलमोस्ट हमने अपने लगभग सारे के सारे टॉपिकों पे डिस्कस कर लिया कि किस तरह से आरबीआई जो है वो मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है, या किस तरह से अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को क्या करता है,
बढ़ाता है और किस तरह से शाख की मात्रा को कम करता है। मे भी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम अपने उन दो पॉइंटों से, कौन से दो पॉइंट है, एक तो शाख की राशनिंग है और एक नैतिक प्रभाव है, उसमें मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 9 के साथ, वो हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है। और एक चीज का ख्याल रहे, उसमें हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं क्या कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। क्लियर? चलो ठीक है। एक चीज और, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, और इसको, इस वीडियो को या मेरी जा सारी वीडियो को, जो वीडियो आप देख रहे हो, इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग आप भी लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, उनके भी कुछ टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलो बाय।